निष्पक्ष एवं भैर आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष एवं भय रहित वातावरण में संपन्न होंगे। इसे सफल बनाने हेतु जिलाधिकारी श्री संजीव कुमार ने स्थानीय नागरिक प्रचारणी सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट BDO CO सब डिविजनल ऑफिसर तथा विभिन्न प्रसांगों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो वैसे गांव, टोले, मोहल्ले और मतदान केंद्रों को चिन्हित करें जहां पर समाज के कमजोर वर्ग के लोग रहते हों और कई लोगों के द्वारा तथा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के द्वारा उन्हें डराने, धमकाने और मतदान केंद्रों पर उन्हें जाने से रोका जाता है, भयभीत किया जाता है, उन्हें वोट नहीं डालने के लिए रोका जाता है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वैसे वैसे मतदान केंद्रों तथा वैसे वैसे बसावट, टोले, मोहल्ले और गांवों को चिन्हित करने और रिपोर्ट करने को कहा है। साथ ही 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है ताकि वो जागरूक हों और प्रेरित हों। वोट देना देश के प्रत्येक नागरिक और वोटर का कर्तव्य है। अपने मताधिकार का प्रयोग व्यक्ति स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक होकर कर सकता है। उन्होंने इसे सफल बनाने हेतु कहा है कि इस वर्ष के चुनाव में हथियार के साथ साथ कारतूस को भी जमा कर देना है। साथ ही कहा है कि पोस्टर, पंपलेट, बैनर पर प्रकाशक के साथ साथ मुद्रक का भी नाम प्रिंटेड होनी चाहिए। बिना प्रकाशक और मुद्रक प्रिंट किए हुए अगर कोई पोस्टर है तो बिल्कुल गलत है। साथ ही प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर अवैध पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे, अगर लगाए जाएंगे तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 201 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 21 फ्लाइंग स्क्वाड तथा स्टैटिक सर्विलांस टीम के रूप में 35 की नियुक्ति की। साथ ही उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा सी विजिल नामक ऐप डेवलप किया गया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो धोती, साड़ी, अन्य सामग्री अथवा पैसा लेकर के प्रलोभन देता है तो वैसी स्थिति में उनका फोटो अपलोड उस ऐप पर किया जाएगा जिसकी मॉनिटरिंग निर्वाचन आयोग करेगी और जांचोपरांत तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। MCMC गठन हुआ है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। इसके द्वारा पेड न्यूज की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी, इफेक्टिवली मॉनिटरिंग की जाएगी और जो भी कैंडिडेट पेड न्यूज के तहत समाचार का प्रकाशन अथवा प्रसारण करेंगे वैसी स्थिति में उन्हें चिन्हित करके नोटिस किया जाएगा और उनके द्वारा MCMC के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि आदर्श MCC लागू है, आदर्श आचार संहिता, जिसका अनुपालन सभी उम्मीदवारों, सभी पार्टी को करना है। साथ ही मतदान कार्य से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कर्मियों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भय रहित माहौल में संपन्न कराना है। सभी अधिकारी और कर्मी जो इसमें संलग्न है, इस कार्य में, चुनाव अभियान में, वो भी बिल्कुल पक्षपात रहित होकर के चुनाव कार्य को में अपनी भूमिका अदा करें। राहुल सर,